प्रदेश में उद्योगों का नया धरातल तैयार कराने में मुरादाबाद के उद्यमी सशक्त भूमिका निभाने जा रहे हैं। जनपद में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। मुरादाबाद के संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए मुरादाबाद के उद्यमियों में बहुत अधिक उत्साह है। जनपद में कुल 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। मुरादाबाद के 200 उद्यमियों के प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 150 उद्यमी लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4th का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण पंचायत भवन सभागार, विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न तहसीलों में भी किया जाएगा, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय हमारे उद्यमी निर्यातकों को, हस्तशिल्पियों को, सभी को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में जनपद के सभी उद्यमियों का, निर्यातकों का, निवेशकों का प्रॉपर सहयोग मिल रहा है। वो उत्साहित हैं और अपना जो निवेश का उन्होंने इंटेंट फाइल किया था, जो एमओयू में कन्वर्ट हुआ था, वो जीबीसी रेडी की प्रक्रिया और तेज हो रही है। 13,000 करोड़ से अधिक के फाइनल रेडी मुरादाबाद में हो चुके थे, इसको लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। इस प्रोग्राम के घोषणा के बाद में जीबीसी के लिए तैयारी के लिए निवेशक आगे और आगे आ रहे हैं, तथा वो प्रयास कर रहे हैं कि वो नए भी इंटेंट फाइल करें, जिसको हम लोग एमओयू में कन्वर्ट करा के जीबीसी रेडी कराएं शीघ्रता पूर्वक।